वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से सीए और एनआरसी के मुद्दे को लेकर राज्य सरकार के विरोध में करेगी आंदोलन। सीए एनआरसी एनपीआर कानून को विधानसभा में महाराष्ट्र में नहीं लागू होगा, ऐसा ठराव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने की मांग वंचित बहुजन आघाड़ी ने राज्य सरकार से की है। आघाड़ी का कहना है कि ये कानून वंचित पर अन्याय है, इसी कारण इसे महाराष्ट्र में पारित नहीं होना चाहिए। इस मांग को निवेदन मोर्चे द्वारा राज्य सरकार को दिया जाएगा। वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आने वाली 22 फरवरी को हम लोग एक विनंती निवेदन देने जा रहे हैं। ये विनंती निवेदन हम राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना के जो पदाधिकारी है, जो लोक प्रतिनिधि है, जहाँ जहाँ के एरिया के, उन सबको दे रहे हैं। इस निवेदन में हमने ये मेंशन किया है कि महाराष्ट्र शासन अपने विधिमंडल में सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एक ठराव पास करे, एक रिजोल्यूशन ले आए। उस रिजोल्यूशन में जो जनता की मांगे है कि आज तक उनको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे गई, जब वो इंटरनेट पे एनपीआर का फॉर्म देखते हैं तो हक्के बक्के रह जाते हैं कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके माँ बाप के दाखिले पूछने जाने वाले हैं जबकि किसी को अपने माँ की जन्म तारीख पता नहीं है, बाप का पता नहीं है, और बहुत ज़्यादा संख्या में जो भटके विमुक्त अलूतेदार बलूतेदार बाकी के जो लोग हैं, इतने ज़्यादा संख्या में आदिवासी है, इन सब का क्या होगा। इसके लिए जो हमारा बेसिक कहना है कि मुसलमानों के कंधों पे बंदूक रखकर 40% ओबीसी को जब आप टारगेट बनाने जा रहे हो तो इसके खिलाफ हम ये चाहते हैं कि इसमें क्लैरिटी पूरी हो। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे हक में नहीं है। ये बोल रहे हैं कि सीएए हमने बनाया आपको नागरिकता देने के लिए, आपकी नागरिकता छीनने के लिए नहीं। अगर ये बात है तो आपने डिटेंशन कैंप क्यों बनाए, जिनकी नागरिकता छीनी जाएगी, जो इंडियन नहीं है ये घोषित किया जाएगा, या तो उसे कंपेल किया जाएगा कि आप इंडियन घोषित कर दो, लेकिन ये शर्तें माननी पड़ेगी। इसके तहत हमारे पे चातु वर्ण अगर वो लाना चाहते हैं, उसकी बदौलत अगर वो चाहते हैं कि ये अगर नहीं मानेगा तो आप डिटेंशन सेंटर में जाएंगे, तब ही ना आपने डिटेंशन सेंटर की योजना की, वरना क्या जस्टिफिकेशन है आपके पास में कि डिटेंशन सेंटर किसको भेजा जाता है। ये डिटेंशन सेंटर जो आप बना रहे हैं ये इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 के तहत बनाए जा रहे हैं, जबकि क्लियर कट कहता है कि अभारतीय आदमी होगा। तो ये किसने कहा और हमें कैसे यकीन कर ले तुम्हारी झूठलन पे कि ये सीएए नागरिकता देने की बात करता है, लेने की बात नहीं करता। ये झूठ है और हम इसका क्लैरिफिकेशन चाहते हैं और इसके लिए सहयोग चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि वो इसके विरोध में एक ठराव पारित करे। और इसीलिए हम 22 तारीख को सब पदाधिकारी, सारे जनप्रतिनिधि, सारे उनके कार्यालय और घरों पे जाकर ये निवेदन देंगे ताकि वो सरकार पे एक मानसिक रूप से, वैचारिक और बौद्धिक रूप से एक उनको गुहार लगाए, एक दबाव एक तरीके से लाए और ये ठराव पारित हो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।